सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कितने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और कितने घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये कॉमन फैक्ट है, बहुत बार आप लोग पूछते हैं और आप लोगों का वीडियो हम देखते हैं। इसमें देखिए, लोगों को एक कंसेप्शन है हिंदी मीडियम वालों को, अंग्रेजी मीडियम वालों को। कई लोग मैं ऐसे भी देखा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुत मेहनत करके डिक्शनरी हाथ में ले लेके हिंदू अखबार पढ़ रहे हैं। क्या ज़रूरत है यार आप लोगों को इतना मेहनत करने की, मैंने क्यों करते हैं इतना? अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अखबार ही मत पढ़िए। प्री की परीक्षा के एक महीना पहले सब अखबार बंद कर दीजिएगा, सारे के सारे। जब प्री का डेट आ जाए सारे अखबार बंद कर दीजिए, उसके पहले अखबार पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना, जो बीच का जो मटेरियल है ना अखबार के बीच में, उतना काफ़ी है। पहला पन्ना और बीच का पन्ना, उससे ज़्यादा आपके काम करें। जब आपका प्री एग्ज़ाम ओवर हो जाए तब अखबार पढ़िए, कम से कम दो, मिनिमम दो अखबार पढ़िए। अपनी मर्जी से पढ़िए, जितना घटिया अखबार चुन सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप दो अखबार पढ़िए ना। आप अखबार पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ जानें क्या क्या आप पढ़ेंगे। पहला तो इसमें से कितने लोगों ने गांधी मूवी देखी है? गांधी मूवी कितने लोगों ने नहीं देखी है? क्यों करते हैं आप लोग स्टेट पी सी यूपीएससी की तैयारी? जो गांधी मूवी नहीं देखे हैं आप लोग अधिकारी नहीं है बीपीएससी की तैयारी करने का, माँ बाप का पैसा डुबा रहे हैं जी आप लोग। गांधी के बगैर आप लोग बीपीएससी पास कर जाएंगे ये भी सोचते हैं क्या? मतलब गांधी के बगैर आप लोग स्टेट पी सी यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये फितूर है क्या दिमाग में आप लोगों के? खुरच के निकाल दीजिएगा आप लोग। गांधी मूवी देखिए, इसको तीन बार देखिए गांधी मूवी को, पूरा भारत का इतिहास है। एक अकेला आदमी भारत के इतिहास को पलट देने की क्षमता रखता है, उस आदमी को भी जाने नहीं, उस महान व्यक्ति का मूवी तक नहीं देखे आप लोग, चकित हूँ मैं। देखिए ये मूवी, प्रधानमंत्री एक सीरीज आता था, याद है आप लोगों को? 24 एपिसोड पहला में आया था, दूसरा में 7-8 एपिसोड आया था, पूरा एपिसोड देखिएगा, ध्यान रहे पीटी के बाद। अभी जाकर शुरू नहीं कर देना इसको, समय वेस्टिंग है। पीटी के बाद ये सब क्या है? भारत के वैसे देश के वैसी घटनाएं हैं जिसने देश की प्रोड्यूस को बदल दिया, ये आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद से लेके, गोधरा राइट से लेके, बोफोर्स तोप से लेके, 1965, 1962, 1971, सारे भारत में जितने इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं उसका बहुत ही बढ़िया वेल रिसर्च रूप में आपको दिया है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए, आपको भारत की मूलभूत समस्याओं के प्रति एक बेसिक जानकारी आपकी हो जाएगी। और दूसरा देखिए संविधान, संविधान जो है ये श्याम बेनेगल ने बनाया, राज्यसभा टीवी पे आपको मिलता होगा, राज्यसभा टीवी पे 10 एपिसोड है मात्र, शुरुआत का 1 और 2 एपिसोड, 1 और 2 एपिसोड को कम से कम दो दो बार देखिएगा। कि भारत जैसे कोई मूवी देखते हुए तो मूवी का आखिरी में एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स, तो भारत की आज़ादी का जो आखिरी का जो 5 साल है वही ना भारत का क्लाइमेक्स है इतिहास का। तो पहला और दूसरा जो एपिसोड है वो हमारा क्लाइमेक्स है। इनफैक्ट ये संविधान का बेसिक एपिसोड है पहला दूसरा, लेकिन ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का क्लाइमेक्स एपिसोड है। तो ये आप रिकमेंड करेंगे, ये इतना अगर ये तीनों आपने देख लिया तो भारत की समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, जहां से पॉलिटिक्स डिसाइड हुआ है और जहां जिसने भारत के राजनीति को, भारत के धर्म को, भारत के समाज को परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाले जो घटनाएं हैं वो इसमें वेल रिसर्च्ड फॉर्म में मौजूद हैं, जो पीटी के बाद हर दिन दो दो बार एक एक एपिसोड देखेंगे आप लोग। तो अखबार पढ़ने के साथ आपको उसकी जानकारी, तब अखबार जब इसको आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके लाइफ में, या इसे डायरेक्ट प्रश्न भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको उसकी उन विवादों, जैसे पिछले टॉपिक मैंने बताया था आपको विवाद को प्रश्न, विवादित प्रश्नों का कैसे जवाब देना है, तो विवादित प्रश्नों को जड़ में क्या विवाद था, क्या इशू थे, वो कोर इशू आपको समझ में आएंगे। इसलिए ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड है अखबार। मैं रिकमेंड करता हूँ दैनिक जागरण, दैनिक जागरण संभव हो तो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा आप लोग। पीटी के एक महीने पहले कोई अखबार नहीं पढ़ना है, ये मैं बार बार रिपीट करूँगा, उसको फॉलो कीजिएगा।